नमस्कार, BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 6 अक्टूबर का दिन देश और दुनिया में खासा महत्व रखता है। आज के दिन इतिहास में कई घटनाएं दर्ज है, जिसके तहत आइए जानते हैं आज का दिन विशेष। अमेरिका सिनेमा के इतिहास में 6 अक्टूबर की तारीख अपनी खास अहमियत रखती है। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। इसकी वजह भी खास है। दुनिया भर में जब पहली बार सिनेमा का परिचय हुआ था तो वो था गूंगा सिनेमा, जिसे केवल देखा ही जा सकता था। लेकिन 6 अक्टूबर साल 1927 को अमेरिका के गूंगे सिनेमा ने बोलना सीखा था। ये वही दिन था जब देश की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर का न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ था। ये एक अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन एलन क्रॉसलैंड ने किया था। फिल्म के निर्माता वार्नर ब्रॉस थे। फिल्म म्यूजिकल ड्रामा थी तो इसमें साउंड के ऊपर कमाल का काम किया गया था। ये पहली फुल लेंथ मोशन पिक्चर होने के साथ ही एक बोलती हुई फिल्म थी, जो कि सभी के लिए एक चुनौती भी थी। इसे बनाने में भी जाहिर सी बात है कि सभी को बेहद मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। हिंदी सिनेमा जगत में 6 अक्टूबर का दिन एक विशेष महत्व रखता है। आज के दिन जन्म हुआ था एक ऐसे सुपरस्टार का, जिसके साथ अभिनेत्रियां काम करने के लिए मरती थी। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन से कहीं आगे निकलने जाने वाले वो अभिनेता, जिसने अचानक ही सब कुछ छोड़कर जाने का मन बना लिया। विनोद खन्ना की जिंदगी को समझने के लिए एक शब्द है अचानक। अचानक एक फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, रातों रात स्टार बन गए और फिर अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़कर ओशो की शरण में अमेरिका चले गए। विनोद खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो दर्शकों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। विनोद खन्ना के पिता का कपड़ों का और केमिकल बनाने का कारोबार था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पेशावर से मुंबई चला आया। विनोद खन्ना ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की। 1957 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। विनोद खन्ना की बाकी की स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। 3 साल बाद उनका परिवार फिर से मुंबई पहुंचा, जहां सीडेनहम कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक किया था। कॉलेज के दिनों से ही विनोद खन्ना ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। यह उनकी मुलाकात गीतांजलि से हुई। गीतांजलि उनकी पहली पत्नी थी। विनोद खन्ना ने फिल्म मन की मीज से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसमें हीरो सुनील दत्त और खलनायक की भूमिका में विनोद खन्ना थे। फिल्मों में लगातार सफलता के बाद उन्होंने गीतांजलि से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हुए। विनोद खन्ना ने अपने करियर में 150 से ज्यादा फिल्में की। 70 से 80 के दौर में अमिताभ बच्चन अपनी करियर की ऊंचाई पर थे। उस वक्त उनकी स्टारडम को केवल एक ही अभिनेता टक्कर देने वाला माना जाता था, वो थे विनोद खन्ना। भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजे गए वी.के. कृष्ण मेनन का आज के दिन 1974 में निधन हुआ। वे पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। वी.के. कृष्ण मेनन एक भारतीय कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। टाइम मैगजीन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के बाद वे भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। इंग्लैंड में उन्होंने एक पत्रकार और इंडिया लीग के सचिव के रूप में कार्य किया है। यह संस्था एक प्रकार से वहाँ भारतीय कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में काम करती थी। इस माध्यम से मेनन जवाहरलाल नेहरू से जुड़ गए। देश की आजादी के बाद नेहरू सरकार ने उन्हें लंदन में भारत का हाई कमिश्नर बना दिया, जिस पद पर वो सन 1947 से 1952 तक रहे। भारत सरकार के रक्षा मंत्री के तौर पर मेनन रक्षा सौदे संबंधित विवादों में भी घिरे और भारत चीन युद्ध के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सन 1954 में वी.के. कृष्ण मेनन को भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह पुरस्कार पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।